ओम शांति। ज्ञानी आत्मा वही है जो अपने चित्त को शांत रखे, जो अपने मन को नेगेटिव से पॉजिटिव करके जल्दी ही प्रसन्न कर ले। ज्ञानी आत्मा वो नहीं जो किसी नेगेटिविटी के बहाव में, व्यर्थ संकल्पों के बहाव में तेजी से बहती चली जाए। बातें तो आती हैं और चली जाती हैं, परिवारों में भी अनेक चीजें मनुष्य के साथ होती हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही सब करें या वैसा ही सब कुछ होता रहे। ऐसा तो ड्रामा का विधान ही नहीं है। किसी के बच्चे निगेटिव हो गए हैं, गलत मार्ग पे चले गए हैं, किसी के बच्चे माँ बाप से गलत व्यवहार कर रहे हैं, जरा भी सुनते नहीं तो माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं। तो हमें एक बात, सत्य बात जान लेनी चाहिए, अगर हम परेशान रहते हैं तो हमारे बोल में प्रभाव नहीं रहता है, तब हमारी कोई नहीं सुनता है, और जब कोई नहीं सुनता तो मनुष्य और इरिटेट होता है और उसकी स्थिति बिगड़ती जाती है। इसलिए कुछ समय के लिए अपने मन को शांत करें, साक्षी भाव अपना लें। सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, ठीक है, वो आपके बच्चे हैं, आपके प्रियजन हैं, उन्हें अच्छा होना ही चाहिए। उन्हें बिगड़ता देख, उनका पतन देख किसी को भी प्रिय नहीं लगेगा, लेकिन आप इस तरह कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखेंगे, चित्त शांत होते ही परिस्थितियां भी शांत होने लगेंगी। आपकी शुभ भावनाओं में बल तब रहेगा जब आपके विचार महान होंगे, जब आप स्वमान में स्थित होंगे। यदि परेशान होकर आप किसी को अच्छी शिक्षाएं भी देते हैं तो वो शिक्षाएं निरर्थक जाती हैं। सुनने वाला यही सोचता है इनका तो काम ही है बोलते रहना, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए स्वमान को बढ़ाते चलें, विशेष स्वमान, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। देखिए, जिन्हें विश्व का कल्याण करना है वो छोटे नहीं हो सकते, वो बहुत बड़े होंगे। विश्व कल्याण, मनुष्य अपना भी कल्याण करना नहीं कर पाता है, मनुष्य दूसरे एक व्यक्ति का भी कभी कभी कल्याण नहीं कर पाता है, और हम चले हैं विश्व का कल्याण करने, तो कितनी ऊंची स्थिति होनी चाहिए। हम अपने स्वमान को बढ़ाते चलें, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। दूसरा स्वमान, मैं वही हूं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, मैं इष्ट देव देवी हूं। क्या इष्ट देव देवी को कभी आपने परेशान होते देखा है? इस देव देवी हूँ जिनके सामने आते ही, जिनके मंदिरों के कपाट खुलते ही लोगों में प्रसन्नता की लहर छा जाती है, जिनके दर्शन करने से लोगों के चित्त शांत और पवित्र हो जाते हैं, वो देवी मैं हूँ। इस स्वमान को बढ़ाएंगे तो आपका मन बहुत शांत रहेगा, और ये जो मन में उथल पुथल होती है, जो बेचैनी होती है, चिंताएं होती हैं कि पता नहीं क्या होगा, ये चिंता समाप्त हो जाएगी। आप इस संकल्प को सदा के लिए हटा दें, पता नहीं क्या होगा। ज्ञानी आत्माओं का ये संकल्प नहीं होना चाहिए। होगा वही जो विधि में, ड्रामा में रचित है, पहले से नोंद है, जिसे लोग कहते हैं जो लिखा हुआ है। ऐसा अभ्यास करने से अपने चित्त को शांत रखेंगे, और आज सारा दिन एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस करेंगे, और वो है बाप दादा का आह्वान। बाबा को निमंत्रण देंगे परम धाम में, और फिर देखेंगे बाबा अपना धाम छोड़कर नीचे आ रहे हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, और फिर दोनों नीचे आते हैं मेरे पास। बाबा मेरे सामने हैं, मुझे दृष्टि देते हैं, और मुख्य अभ्यास कि बाबा ने अपनी हजार भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं।
बहुत सुंदर अभ्यास होगा, जैसे उनकी छत्र छाया, हाथों की छत्र छाया मेरे सिर पर है और बाबा की आवाज सुने, बच्चे तुम चिंता न करो, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ, मैं सब कुछ ठीक करने वाला हूँ, मेरी शक्तियों में विश्वास रखो। ये अभ्यास हर घंटे में एक बार आज अवश्य करेंगे। ओम शांति।